इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान के पंजशीर में अहमद मसूद को बड़ा झटका, तालिबान के साथ जंग में रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता फाहिम दश्ती की मौत। अहमद मसूद का अहम सहयोगी था फहीम दश्ती, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने सोशल मीडिया पर की फहीम दश्ती की मौत की पुष्टि। पंजशीर के जंग में एक और अहम लड़ाका जनरल अब्दुल वदूद जारा भी मारा गया, रेजिस्टेंस फोर्स को दो बड़े नुकसान। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह के पंजशीर छोड़े जाने के बाद तजाकिस्तान भागने की खबर, रेजिस्टेंस फोर्स ने दी जानकारी। अमरुल्ला सालेह के घर पर तालिबान ने किया हेलीकॉप्टर से अटैक, आईएसआई चीफ ने कबूल किया होने खबरें। अहमद मसूद ने भी पंजशीर के किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपने की खबर सामने आई, एक दिन पहले तालिबान से बातचीत की पेशकश की गई थी। पूरा पंजशीर करीब करीब तालिबान के शिकंजे में आया, तालिबान ने पंजशीर के अलावा पूरे अफगानिस्तान पर पहले ही कब्जा किया था। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स ने सीज फायर की अपील की, भारी नुकसान के बाद की अपील। रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान से पंजशीर छोड़ने को कहा, बदले में मिलिट्री एक्शन रोकने का भरोसा दिया। फिर देखा तालिबान का खूंखार चेहरा, 8 महीने की प्रेग्नेंट पूर्व महिला पुलिस अफसर बानू निगार की हत्या की। तालिबान ने महिला पुलिस ऑफिसर के परिवार के सामने हत्या की, गौर प्रांत के फिरोजकोह में रह वारदात। यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिथ्स से मिला मुल्ला बरादर, काबुल में विदेश मंत्रालय में हुई बात। मुल्ला बरादर से मुलाकात के बाद बोले मार्टिन ग्रिफिथ्स, अफगानिस्तान को यूएन का सहयोग जारी रहेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कतर के लिए हुए रवाना, अफगानिस्तान का मिशन खत्म होने के बाद आगे की रणनीति के लिए नेताओं से करेंगे मुलाकात। यात्रा के दौरान जर्मनी में जाएंगे एंटनी ब्लिंकन, अफगानिस्तान से लाए गए लोगों को बसाने को लेकर बातचीत करेंगे, 20 देशों के नेताओं से वर्चुअल मीटिंग भी करेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी गल्फ देशों की यात्रा पर रवाना हुए, मिशन अफगानिस्तान के सहयोगी देशों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने तालिबान से बातचीत की वकालत की, जर्मनी के लिए काम करने वालों की सुरक्षित वापसी के लिए बातचीत को जरूरी बताया। अफगानिस्तान से ब्रिटेन गए लोगों के रहने को नहीं हो पाई है स्थायी व्यवस्था, क्वारंटीन के बाद भी होटल में रह रहे हैं लोग। जावेद अख्तर के तालिबान के आरएसएस से तुलना पर मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जावेद अख्तर माफी मांगो के नारे लगे। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी आज ईडी के सामने होंगे पेश, कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भेजा था समन। अभिषेक बनर्जी का बयान, किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार, आरोप साबित हुए तो फांसी के लिए तैयार। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को सीआईडी ने भेजा समन, आज पेश होने को कहा, बॉडीगार्ड की हत्या के मामले में जांच कर रही है सीआईडी। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी किया है लुकआउट नोटिस, कई बार नोटिस मिलने के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के करीबी आरटीओ ऑफिसर को भेजा समन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज पेश होने को कहा गया। आज हिमाचल प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। पीएम के वर्चुअल कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहेंगे मौजूद, कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोवा में आईएनएस हंसा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, भारतीय नौसेना विमानन को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करेंगे। तीन दिन के गोवा दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति, गोवा के गवर्नर और सीएम ने किया स्वागत। डेनमार्क के पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर का, हरियाली बढ़ाने में भारत का भागीदार है डेनमार्क। डेनमार्क के पीएम से मुलाकात पर एमईए का बयान, दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री त्रिपुरा बॉर्डर के रास्ते पहुंचे भारत, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करेंगे। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर प्रहार, कहा देश का संविधान खतरे में है, सरकार सब कुछ बेचने में लगी है। टिकैत ने कहा हमारा मिशन सिर्फ यूपी ही नहीं देश को बचाना है, ठेका प्रथा होगी तो देश में रोजगार खत्म होंगे। राकेश टिकैत ने कहा ये वैचारिक क्रांति है और ये विचार से ही आती है, हम अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहना गुनाह है क्या। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन पर साफ किया रुख, कहा मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन, आजादी के लिए 90 साल लड़ना पड़ा था। केंद्रीय सरकार से बातचीत पर बोले राकेश टिकैत, सरकार बुलाएगी तो बात करने जाएंगे। किसान महापंचायत में मोदी और योगी सरकार के खिलाफ एजेंडा साफ, लेफ्ट नेता हन्नान मुल्ला का ऐलान, मोदी और योगी को हराना मकसद। हन्नान मुल्ला ने कहा मोदी सरकार के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद करेंगे, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और पंजाब में मिशन शुरू। मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालिया ने कहा किसान नेता राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी को मोदी सरकार की सलाह, किसानों से बात करें, उनके दर्द को समझें। किसानों के साथ बातचीत को लेकर बोले अनुराग ठाकुर, एक नहीं 11 चरणों में करवाई गई है बैठक। अनुराग ठाकुर बोले मोदी सरकार के समय से पहले ज्यादा मंडियां बनी, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं मंडियां बंद होंगी। मेरठ में किसानों की गुंडागर्दी, सेवाया टोल प्लाजा को फ्री करवाया, टोल प्लाजा में लगे 10 लाख की कीमत के सेंसर भी तोड़े। राहुल गांधी ने किसान महापंचायत की तस्वीर ट्वीट करके लिखा गूंज रही सत्य की पुकार, तुमने सुनना होगा अन्यायी सरकार।
9 और 10 सितंबर को जम्मू दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, वैष्णो देवी के भी दर्शन करेंगे। सीएम योगी ने वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में लिया हिस्सा, पहले की सरकारों पर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा, आजादी के बाद से संकीर्ण एजेंडे के साथ सरकारें आती जाती रही लेकिन विकास का एजेंडा तय नहीं हो पाया। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा 5 साल में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा होगी। सीएम योगी का विपक्षी दलों पर वार, कहा पूर्वी उत्तर प्रदेश माफिया और मच्छरों से मुक्त होकर विकास की गाथा लिख रहा है। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी की तारीफ की, 5 सदी के इंतजार को पीएम ने दूर किया कहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में किया बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज, का एसपी बीएसपी के लोग मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, बीजेपी जात पात की राजनीति नहीं करती, सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना ही मकसद। 20 सितंबर तक यूपी के सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन करेगी बीजेपी, रविवार को 18 जगहों पर आयोजन। वाराणसी में भैरवनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, संध्या आरती में लिया हिस्सा। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को ओपी राजभर ने बताया अभुद्ध वर्ग सम्मेलन का, बीएसपी की नकल कर रही है बीजेपी। यूपी बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की आज होगी बैठक, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे शामिल, समापन सत्र को संबोधित करेंगे सीएम योगी। यूपी कांग्रेस टीम, अजय कुमार लल्लू का बयान, विधानसभा चुनाव में सिर्फ छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन होगा। कांग्रेस का योगी सरकार पर पलटवार, ट्वीट करके लिखा उत्तर प्रदेश में 20,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर, प्रदेश बदहाल। अजय कुमार लल्लू को उम्मीद यूपी में कांग्रेसी होगी की वापसी, कहा पिछली सभी सरकारें लोगों की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। यूपी के भदोही में समाजवादी शिक्षक सम्मेलन के दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। भदोही में अखिलेश यादव बोले, समाजवादी पार्टी की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रही है योगी सरकार। बिहार में आरजेडी में तकरार जारी, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने छात्र राजद के समानांतर छात्र जनशक्ति परिषद नाम से बनाया नया संगठन। टीएमसी ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, भवानीपुर से ममता बनर्जी, जंगीपुर से जाकिर हसन और समीरगंज से अमीरुल इस्लाम को मैदान में उतारा। भवानीपुर सीट को लेकर टीएमसी नेता मदन मित्रा की भविष्यवाणी, उपचुनाव एक तरफा होगा, बीजेपी अपना पैसा बर्बाद ना करे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की पूर्वी मिदनापुर में जनसभा, ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा टीचर्स भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ, कई बिना परीक्षा के टीचर बन गए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलने के कारण गंभीर संकट में पूरा शिक्षा विभाग। कर्नाटक में आज आएंगे स्थानीय चुनाव के नतीजे, 7 नगर निगमों में शुक्रवार को वोट डाले गए थे। राजस्थान में सचिन पायलट के जन्मदिन पर उनके समर्थक करेंगे शक्ति प्रदर्शन, 10 लाख पौधे लगाकर बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। पिता पर हुई एफआईआर पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सरकार में कानून से ऊपर कोई नहीं, फिर चाहे मेरे पिता क्यों ना हो। सीएम भूपेश बघेल के पिता के खिलाफ रायपुर में दर्ज हुई है एफआईआर, सांप्रदायिक भावना को भड़काने का लगा है आरोप। मुंबई में आज मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से मिलेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, शाम को 6 बजे होटल लीला में करेंगे मुलाकात। कांग्रेस ने मुंबई चिड़ियाघर में पेंगुइन की देखभाल के लिए 15 करोड़ का टेंडर जारी करने पर उठाए सवाल, पेंगुइन को सीएम उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने कोल्हापुर में पंचगंगा नदी की परिक्रमा यात्रा निकाली, बोले राज्य सरकार बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा दे इसलिए यात्रा निकाली गई। पंचगंगा नदी में जल समाधि लेने की चेतावनी राजू शेट्टी ने दी, आखिरी दिन यात्रा में हजारों लोग बिना मास्क के नजर आए। मध्य प्रदेश के एमबीबीएस छात्रों को अब आरएसएस और जनसंघ संस्थापकों के बारे में पढ़ाया जाएगा, मेडिकल एजुकेशन मंत्री विश्वास सारंग का बयान, नया कोर्स मेडिकल एथिक्स लेक्चर का हिस्सा। विश्वास सारंग ने कहा अगर नेहरू को पढ़ाया जा सकता है तो फिर हेडगेवार दीनदयाल उपाध्याय को क्यों नहीं। अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक की अवैध प्रॉपर्टी पर चला योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, बुलंदशहर में सुंदर सिंह लोधी की कब्जे की गई जमीन को खाली कराया। 32 करोड़ की जमीन पर सुंदर सिंह लोधी और उनके परिवार का था कब्जा, गोदाम और पार्किंग के लिए किराए पर दी गई थी जमीन। 1983 में जमीन का हुआ था अधिग्रहण, 2002 में जमीन आवास विकास परिषद के अधिकार में आई, बावजूद इसके पूर्व विधायक ने जमीन पर कब्जा बनाए रखा। बीजेपी के पूर्व विधायक सुंदर सिंह लोधी के परिवार का आरोप, जमीन कब्जा कराने मुक्त करने से पहले ना तो नोटिस दिया गया और ना ही मुआवजे की रकम। नोएडा के सेक्टर 78 में एसोटेक सोसाइटी के 3 फ्लैट तोड़े गए, अवैध रूप से बने थे। यूपी के संभल में अवैध शराब बेचने वाले 3 आरोपी पकड़े गए, 4,000 बोतलें भी जब्त। अमेठी के तिलोई पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। स्मृति ईरानी ने कहा 2.5 साल में हर चुनावी वादे को पूरा किया गया, अमेठी में 14 लाख परिवारों को गरीब कल्याण योजना के तहत मिला मुफ्त राशन। अमेठी में स्मृति ईरानी ने मशहूर अशरफी लाल लस्सी कॉर्नर पर लस्सी पी दुकान के मालिक से भी बातचीत की। आगरा की जेल पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव, भदोही के विधायक विजय मिश्रा, एमएलसी कमलेश पाठक से की 2 घंटे तक मुलाकात। मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा ब्राह्मणों की बात सब करते हैं लेकिन उनसे कोई मिलने नहीं आता, मैं सिर्फ आया। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर के 105 नए मामले सामने आए, सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में डेंगू के 2 मरीज मिले हैं, 1 मथुरा का, दूसरा हरियाणा का मरीज, डेंगू वार्ड में अभी 29 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मुरादाबाद में रहस्यमयी बुखार के मामलों के बाद हेल्थ विभाग हुआ एक्टिव, स्वास्थ्य कर्मियों को घर घर भेजा जाएगा, लोगों से पूछे जाएंगे 5 सवाल। सीएम योगी ने गोरखपुर के वेलवार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, बाढ़ पीड़ित लोगों को बांटी रहा सामग्री। सीएम योगी का वादा, बाढ़ से मकान को नुकसान पहुंचने पर 95
6,000 रुपए और मकान नष्ट होने पर सीएम आवास योजना के तहत मिलेगा घर। प्रयागराज में बीजेपी सांसद रीता बगुना जोशी ने किया तेज बहादुर स्प्रू अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, का तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। वाराणसी से चिनार के बीच अलकनंदा क्रूज सेवा का आगाज, वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने किया शुभारंभ। गाजियाबाद के एक फार्म हाउस में लगी आग, बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के टोंक में पैसों की लेन देन को लेकर हुए झगड़े में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। दो परिवारों के झगड़े में धारदार हथियारों से हमला हुआ, दोनों पक्षों की तरफ से कार्रवाई गई है FIR। घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजनों का डॉक्टर्स पर भी गंभीर आरोप, कहा घायल सादत नाम का शख्स 1 घंटे तक इलाज के लिए तड़पता रहा, इलाज में देरी की वजह से हुई मौत। FIR के आधार पर पुलिस कर रही है आगे की कार्रवाई, हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की कोशिश। रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में धर्मांतरण को लेकर बवाल, बजरंग दल और ABVP के लोगों ने थाने में घुसकर पादरी को पीटा। रायपुर के भाटा गांव इलाके में पादरी पर लगातार धन परिवर्तन करने का आरोप, शिकायत पर पुलिस ने ईसाई समाज के कुछ लोगों को थाने बुलाया था। मारपीट करने वाले 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं। थाने में मारपीट के मामले पर SSP का सख्त एक्शन, पुरानी बस्ती थाने के TI को किया लाइन अटैच, CSP को कारण बताओ नोटिस। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया, उनके पास से 1.5 करोड़ का ड्रग्स बरामद। ड्रंक एंड ड्राइविंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने फिर शुरू की है मुहिम, शनिवार की रात 90 लोगों को पकड़ा गया। शराबियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने शुरू किया ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, कोरोना की वजह से मार्च 2020 से था बंद। महाराष्ट्र में आर्थिक अपराध शाखा ने हीरा पन्ना शॉपिंग सेंटर में मारा छापा, 4 लोग गिरफ्तार, 16 लाख से ज्यादा की घड़ियां बरामद। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 1.5 करोड़ कीमत का लाल चंदन बरामद, 13 अंतरराज्यीय तस्कर भी पकड़े गए। बेंगलुरु में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया विश्वेश्वरा टर्मिनल का दौरा, यह स्टेशन देश का पहला सेंट्रलाइज एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल। छत्तीसगढ़ के राजनांद जिले में मलेरिया डेंगू के खिलाफ अभियान, नदी नाले पर गांव-गांव पहुंच रहे हैं स्वास्थ्य कर्मचारी। डेंगू मलेरिया के बारे में गांव वालों को जागरूक कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी, रात को सोते समय मच्छरदानी लगाने की अपील। कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को दिल्ली सरकार ने किया सम्मानित, 122 शिक्षकों को मिला राज्य शिक्षक पुरस्कार। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली के सरकारों स्कूलों का कोई टीचर अगर विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहता है तो दिल्ली सरकार उठाएगी पूरा खर्चा। रायपुर में गवर्नर हाउस में शिक्षकों को किया गया सम्मानित, समारोह में मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व शिक्षकों को किया गया सम्मानित, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सम्मानित किया। हरियाणा के यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ गेस्ट टीचर्स ने निकाली रैली, परमानेंट जॉब की मांग। शिक्षक दिवस पर पटना में CTET के लाभार्थियों का प्रदर्शन, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव प्रदर्शन में शामिल हुए। देहरादून पहुंचे CDS बिपिन रावत, CM पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। शिमला में CM जयराम ठाकुर ने किया हेरिटेज पुलिस असिस्टेंट रूम का उद्घाटन, बाद में मॉल रोड में भी घूमे। लुधियाना में यूथ अकाली दल ने किया खराब सड़कों के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने स्लोगन भी लहराए। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया डॉपलर वेदर रडार सिस्टम का उद्घाटन, समय रहते मिल सकेगी खराब मौसम की चेतावनी। हैदराबाद में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया मोदी पर लिखी किताब के तेलुगु संस्करण का विमोचन। लुधियाना का दिव्यांग हरजीत बंदा बनाता है खूबसूरत स्केच, अपनी प्रतिभा से कई पुरस्कार भी जीते। मुंबई से जम्मू कश्मीर के पुंछ ले जाई जा रही है गणेश प्रतिमा, 6 साल से निभाई जा रही है रस्म, पुंछ में सेना के जवानों के साथ गणपति उत्सव मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू, गणेश की प्रतिमा बनाने वालों को इस बार मिल रहे हैं कम ऑर्डर। मुंबई में दूसरे शहरों से कैंसर का इलाज कराने आए लोग बदहाल, टाटा मेमोरियल अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर रहने को मजबूर। भोपाल में किसानों के लिए खेतों में लाल भिंडी उगाने का एक सफलता, इंटरनेशनल मार्केट में भारी डिमांड है लाल। गोरखपुर में स्कूली छात्रा का अनोखी जज्बा, स्कूल ना छूटे इसलिए बाढ़ के पानी में नाव चलाकर पहुंचती है स्कूल। MP के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ हाथी महोत्सव, 7 दिन तक चलेगा। अगले 3 दिनों तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत में कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। असम में बाढ़ के हालात पर थोड़ा सुधार, अब भी करीब 1,18,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तालाब में डूबकर 5 बच्चों की मौत, तालाब में नहाने गए थे बच्चे। हरियाणा पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने नेपाल से 2 महिलाओं को बचाकर परिवार से मिलाया। DGCA ने DDA को वसंत कुंज के 4 टावर्स की ऊंचाई कम करने का आदेश दिया, नोटिस को लेकर स्थानीय लोग परेशान। दिल्ली विधानसभा के नीचे मिली सुरंग पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने की वैज्ञानिक जांच की मांग, सुरंग के बारे में 2016 में पता लगा था। सूरत में कॉलेज स्टूडेंट की अनोखी पहल, पुल के नीचे लगाई जा रही है गरीब बच्चों की क्लासेस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,517 नए मामले, 218 मरीजों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना 26,701 नए मामले दर्ज किए गए, 74 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,057 नए केस, 67 लोगों की मौत।
मुंबई में बीते 24 घंटे में 496 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, दो लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1623 नए केस, 24 घंटे में 8 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में 1592 लोग कोरोना से पाए गए संक्रमित, 24 घंटे में 18 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 1117 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज ने जान नहीं गंवाई। यूपी में कोरोना के 18 नए केस, 0.1% से भी कम है पॉजिटिविटी रेट। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 707 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 11 संक्रमितों ने जान गंवाई। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 444 नए मामले सामने आए हैं, पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या हो गई है 64,228। अब तक देश भर में 68 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई, पिछले एक हफ्ते में औसतन हर रोज 80 लाख से ज्यादा लोगों को लग रही है वैक्सीन। नकली टीके पर केंद्र सरकार का अलर्ट, राज्यों को लिखी चिट्ठी, असली टीके की पहचान के लिए राज्यों को खाका बनाकर भेजा गया। केंद्र ने राज्यों को लिखे खत में बताया वैक्सीन के लेबल, कलर, ब्रांड के नाम से असली नकली वैक्सीन की पहचान। G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, इटली में बैठक हुई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने की दी अनुमति, वैक्सीनेटेड छात्र और स्टाफ को एंट्री। जम्मू कश्मीर में IIT, NIT और सिविल सर्विस की कोचिंग भी खुलेंगी, कोरोना नियमों के साथ खोलने की अनुमति। कर्नाटक में गणपति विसर्जन में सिर्फ 20 लोग होंगे शामिल, रात 9 बजे के बाद जश्न की अनुमति नहीं। कर्नाटक में गणपति विसर्जन में जुलूस निकालने पर रोक, प्रसाद बांटने पर भी रोक। मुंबई के मरीन ड्राइव, गिरगांव, चौपाटी में रविवार को उमड़ी लाखों लोगों की भीड़, कई लोग बिना मास्क के भी आए नजर। मुंबई के जुहू बीच पर भी भारी भीड़, पुलिस की सख्ती के बाद भी बेपरवाह नजर आए लोग। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ मुंबई पुलिस का एक्शन, गाड़ी में सवार लोगों को भी चालान काटे। इसराइल के PM ने देश में चल रहे बूस्टर वैक्सीनेशन ड्राइव की तारीफ की, कहा लॉकडाउन हटाने में मिलेगी मदद। ताइवान को पोलैंड से मिली वैक्सीन, पोलैंड ने भेजी 4 लाख एस्ट्राजेन का डोज। वेस्ट अफ्रीका के देश गिनी में सैन्य तख्तापलट, सरकार को भंग करने की घोषणा। गिनी के राष्ट्रपति भवन पर सेना का कब्जा, हिरासत में लिए गए राष्ट्रपति कोंडे। गिनी की राजधानी में गोलियों की आवाज सुनी गई, सेना के विद्रोह गुट ने सरकार को हटाकर तख्तापलट की साजिश की। सैनिकों को सड़कों पर देखा गया, देश की सीमाओं को भी सील करने की खबर। विद्रोही सैनिकों ने अपने कब्जे की घोषणा के बाद देश में लोकतंत्र बहाली की बात कही। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के माश्टंग में आत्मघाती हमला, 3 लोगों की मौत, 20 घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तहरीके तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। मेक्सिको में प्रवासियों और नेशनल गार्ड के बीच झड़प, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मौके से भागे, पहले बॉर्डर इलाके में नेशनल गार्ड के साथ हुई थी झड़प। बाल्कन देश मोंटेनेग्रो में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने के साथ पथराव किया, झड़प में 7 पुलिस वाले और कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। ऑस्ट्रेलिया में शार्क के हमले में एक शख्स की मौत, समंदर में सर्फिंग करने गया था शख्स। अमेरिका के न्यू जर्सी से सामने आई कुछ और तस्वीरें, ईडा तूफान आने से पहले और बाद के हालात के मंजर कैमरे में कैद। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, बाढ़ से बुरी तरह से नष्ट हुई इमारतों और ब्रिज को दोबारा से बनाने का भरोसा दिया। अर्जेंटीना में लोगों ने कोरोना से मरने वालों को श्रद्धांजलि दी और कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चिली में ज्यादा दर्शकों के साथ खुले सर्कस, कोरोना केस कम होने के बाद 1000 लोगों के लिए ओपन किया गया शो। ओवल टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत हुई, आज भारत को जीत हासिल करने के लिए 10 विकेट की जरूरत, इंग्लैंड जीत से 291 रन दूर। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बनाए 77 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, हसीब हमीद 43 और रोरी बोन्स 31 रन पर बरकरार। भारत की दूसरी पारी 466 रन पे ऑल आउट हुई है, टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने 127 रन की शानदार पारी खेली। चेतेश्वर पुजारा ने 61 रन और शार्दुल ठाकुर ने 60 रन की पारी खेली, ऋषभ पंत ने भी शानदार अर्धशतक जड़ा। इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी में क्रिस वॉक्स ने 3, मोइन अली और ओली रॉबिन्सन ने 2-2 विकेट झटके। लगातार फेल हो रहे अजिंक्य रहाणे को VVS लक्ष्मण की सलाह, बोले रहाणे को कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहिए। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री को हुआ कोरोना, 3 और सदस्यों को भी किया गया आइसोलेट। एजाज पटेल की शानदार गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में शानदार जीत दर्ज की, मेजबान बांग्लादेश को 52 रनों से हराया। एजाज पटेल ने 16 रन देकर 4 विकेट झटके। सीरीज में 2 लगातार हार के बाद कीवियों की पहली जीत, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 128 रन बनाए थे। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से जुड़े कीन विलियमसन, टीम ने ट्वीट कर दी जानकारी। टोक्यो पैरालंपिक का हुआ रंगारंग समापन, 12 दिनों तक चले खेल के महाकुंभ में 162 देशों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में अवनी लेखरा भारतीय दल की ध्वजवाहक रही, लेखरा ने इस बार जीता है 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल। पैरालंपिक खेलों में भारत की दिखी ताकत, 5 स्वर्ण के साथ जीते रिकॉर्ड 19 मेडल, आखिरी दिन भी 1 स्वर्ण समेत 2 पदक अपने नाम किए। पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर बोले PM मोदी, खेल के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक्स का अलग स्थान।
पीएम मोदी ने कहा, ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल ने हम सभी का दिल खुशी से भर दिया है। सभी कोच और सपोर्टिंग स्टाफ को बधाई। पैरा ओलंपिक्स में मेडल के आंकड़ों का ग्राफ शेयर कर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम की तारीफ की। कहा, जब टॉप लीडर खुद खिलाड़ियों के साथ खड़ा होता है तो चमत्कार होता है। ओलंपिक्स की तरह पैरालंपिक्स के लिए भी मेजबानी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर स्वदेश पहुंची भावीना पटेल, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। दिल्ली पहुंची सिल्वर मेडलिस्ट भावीना पटेल, कहा, देश का प्यार मिलता रहे यही मेरी इच्छा। बंगलुरु में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेला वॉलीबॉल। किट्टूर रानी चेन्नम्मा ग्राउंड पहुंचे थे अनुराग ठाकुर, साथ में तेजस्वी सूर्य भी आए नजर। अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए बोला, हमला एक राजनीतिक दल के युवा नेता हमारे मेडल विजेताओं को बधाई देने में शर्माते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मेडिकल फैसिलिटी एरिया में अनुराग ठाकुर गए, मेडिकल इक्विपमेंट का जायजा लिया। कोलकाता में डूरंड कप का हुआ शुभारंभ, सीएम ममता बनर्जी शामिल हुई। भारत ने फुटबॉल के दूसरे फ्रेंडली मैच में नेपाल को 2-1 से हराया। भारत की तरफ से सुनील छेत्री और फारूख चौधरी ने गोल दागे। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 1-1 से रहा था ड्रॉ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।